यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें अभी तक। मैं हूं आपके साथ नेहा वालिया। रुक करेंगे खबरों का। कांग्रेस पार्टी आज केंद्र सरकार के खिलाफ देश भर में उपवास और धरना कर रही है। राजधानी दिल्ली में राजघाट पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी भी सांकेतिक उपवास रख रहे हैं। राहुल के अलावा यहां पर दिल्ली कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय माकन समेत कई अन्य नेता भी शामिल हैं। राजघाट पहुंचने के बाद राहुल ने सबसे पहले महात्मा गांधी की समाधि पर जाकर श्रद्धांजलि दी। कांग्रेस पार्टी सीबीएसई पेपर लीक मामला, पीएनबी घोटाला, कावेरी मुद्दा, आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने और साथ ही साथ दलितों के खिलाफ हो रहे हमले जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर संसद में चर्चा कराने में केंद्र सरकार की नाकामी के खिलाफ धरना दे रहे हैं।